हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मीनू राठौर और आज मैं आपके साथ मेकअप लुक शेयर कर रही हूं, वो भी स्पेशली कॉलेज गर्ल्स के लिए। जी हां, बहुत ही इजी सा, सिंपल सा, बहुत ही जल्दबाजी वाला मेकअप रूटीन जो कि आप क्विकली कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही एफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज किए हैं जो कि मतलब कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स है इजीली मतलब एफोर्ड कर सकते हैं। जब मैं खुद भी मतलब कॉलेज जाती थी तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगाती थी, बस एक लाइनर लगाने का शौक था और एक लिप बम लगाने का शौक था, तो वही थोड़ा मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लेना वीडियो, एंड में अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर ठोकते हुए जाना। मेकअप, हेयर स्टाइल एंड एक्सेसरीज, तीनों चीज़ें मैंने इसमें कंबाइन की हैं। और आउटफिट है बहुत ही सिंपल सा, एक कुर्ता और एक पैंट पहना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया लिप बाम। ये मैंने हिमालय का लिप बाम लगाया था, ओनली 45 रुपीज़ का ही आ जाता है। काफ़ी अच्छा लिप बाम है बिगनर्स के लिए, तो अच्छे से मैंने लगा कर लिप्स पे इसको, लिप्स को हाइड्रेट कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है हिमालय का टोनर, ऑयली स्किन और जिनके मतलब पिंपल वगैरह निकलते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टोनर है। ये भी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, 80-90 के आसपास आ जाता है। एक कॉटन पैड पर इसको आपको लेकर अच्छे से डैब डैब करते हुए आपको अपने फेस पे और नेक पे लगा लेना है। इसको मतलब रगड़ना नहीं है आपको, बस डैब डैब करके लगाना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लिप बाम था वो मैंने टिश्यू पेपर से इस तरह से डैब कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है नाइविया का मॉइस्चराइज़र, नाइविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये आपको ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह नहीं करता है, तो अच्छा है ये वाला मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लाइट मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है इन दिनों समर सीजन के लिए। तो अच्छे से डॉट डॉट करके पहले फेस पे लगा लिया था, फिर अच्छे से ब्लेंड कर लिया फिंगर टिप्स की ही हेल्प से। आपको आपके हथेली से कभी ब्लेंड नहीं करना, हमेशा फिंगर टिप्स से ही करना है। अब यहाँ पर आईब्रोज की तरफ चलते हैं। बैक टू बैक प्रोडक्ट आपको स्किन केयर के नहीं लगाने, तो अभी आपको 2 मिनट का गैप करना है, तब तक मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। मैंने यहाँ मार्स की ये ली है आईब्रो पेंसिल, इसमें स्पूली भी होती है, तो आपको वही आईब्रो पेंसिल लेनी चाहिए जिसमें स्पूली भी होती है। अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको आगे की साइड नहीं लगाना है, तो इस तरह से दोनों आईब्रोज को मैंने करने के बाद स्पूली से कॉम कर लिया था। अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है पॉन्ड्स का ये लाइट मस्ट सनस्क्रीन आया है, न्यू है, काफ़ी अच्छा है। अच्छी सी क्वान्टिटी में आपको लेकर इस तरह से डैब डैब करके आपको आपके फेस पर लगाना है, फिंगर की टिप्स से मतलब इसको डैब डैब कर देना है, बट इसको रब नहीं करना है बहुत ज़्यादा, इसको इसी तरह से आपको पैड करके करना है। और इसके बाद फिर नेक पे भी लगाना, जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट अगर आप फेस पे लगाते हैं वो आपको नेक पे ज़रूर लगाना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए नेक को। इसके बाद मैंने एलेटीन का लिया है ये कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी 100 रुपीज़ का आ जाता है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल कर रही हूँ, जो कि बिगनर्स हैं कॉलेज जाते हैं काफ़ी अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसको लगाया है मैंने, यहाँ मैंने लूज़ पाउडर नहीं लगाया क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए लगाया क्योंकि इसमें हल्का सा टिंट होता है, तो यहाँ पर हम विदाउट फाउंडेशन विदाउट कंसीलर कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं क्योंकि इसमें हल्का सा टिंट होता है, तो आपके फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो मिल जाता है इससे। तो मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से लगाया था, या मैंने इसके पफ की हेल्प से नहीं लगाया, इसे ब्रश की हेल्प से लगाया था क्योंकि काफ़ी अच्छे से लग जाता है, एक्स्ट्रा डस्ट आउट करते हुए ही लगाना है। या मैंने फिर लिया है ब्लू हेवन का लाइनर, ये सबने ही यूज़ ज़रूर करा होगा क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है। तो यहाँ पर लाइनर है, मैंने इस तरह से लगाया है, मतलब विंग आई लाइनर आपको नहीं लगाना है, सिर्फ मोटा मोटा लाइनर इस तरह से मैंने लगा लिया है। इसके बाद मस्कारा, मस्कारा का अच्छे से कोट लगा लेना, नीचे आपको काजल वगैरह कुछ मत लगाना, इतना ही इनफ लगता है। जब अगर आपकी आईज़ हैं अलग से डिफाइन करती हैं, इस तरह से मैंने हल्का सा कर दिया है, इससे जो एक्स्ट्रा मस्कारा होता है तो वो फिंगर पे निकल आता है। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है लिप एंड चिक टिंट, और ये जो लिप एंड चिक टिंट है ये 190-185 ऐसे कुछ आता है, बट बहुत अच्छा है, ईजिली फिंगर से ही ब्लेंड हो जाता है। मैंने चीक्स पे, नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे लगा कर फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया। इसी को मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी, इस तरह फिंगर की हेल्प से हल्का सा डैब डैब करते हुए लगा लेना है आपको। यहाँ मैं अलग से लिपस्टिक नहीं लगा रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, तो ये लिप एंड चिक टिंट है, इसको लगाकर इस तरह से थोड़ा ब्लेंड कर लिया तो नेचुरल सा लुक देता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इतना ही मैंने किया है फेस का। आप चलते हैं एक्सेसरीज़ की तरफ, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है,
अच्छे से एक ब्लैक कलर की वॉच मैंने डाली है। ब्लैक कलर की वॉच मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि सब आउटफिट पे बहुत ईजली सी चली जाती है। इसके बाद दो छोटी छोटी सी रिंग डाली हैं, फिर मैंने ली है छोटी सी झुमकी, ये मैंने डाली है। छोटी सी झुमकी होती हैं गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, हर कुर्ते पर आपकी ईजली चल जाती है। ईयर रिंग से मैच करती ही मैंने दो कड़े डाल लिए हैं एक हाथ में। आप चाहें तो कड़े स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो एक हाथ में वो सिल्वर वाली बैंगल्स होती है ना वो डाल सकते हो, क्योंकि मैं उनको बहुत, अगर सिल्वर ईयर रिंग कान में डाले तो सिल्वर बैंगल्स वो वाले डाले वो मैं बहुत डालती थी। फिर यहाँ हेयर स्टाइल की तरफ चलते, मिडल पार्टीशन कर लिया है, पीछे के हेयर टाई कर लिए हैं और मिडल के पार्टीशन कर रहा था, उसमें दो सेक्शन डिवाइड करके इस तरह रबर बैंड से ट्विस्ट करके फिर नीचे की साइड से ट्विस्ट कर दिया है। फिर दोनों सेक्शन को एक साथ लेकर यहाँ रबड़ बैंड लिया है, रबड़ बैंड से सिक्योर कर दिया है। सिक्योर करने के बाद इस तरह घुमाना है, आपको एक हॉल बन जाएगा, तो इसमें से नीचे के हेयर आपको निकाल देने। आप देख कर ईजिली समझ सकते हैं, नीचे के हेयर टाइट कर दिए, ऊपर के टाइट कर दिए और ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल आपकी ये जो है पोनीटेल हेयर स्टाइल बनकर रेडी है। और ये आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं करेगी। यहाँ मैंने एक बैग ले लिया है, बैग में आप अपना ज़रूरत का सामान ईजिली रख सकते हैं। मतलब हील मैंने नॉर्मल रखी है, बहुत ज़्यादा हाई हील भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, नॉर्मल है, तो आप हील ज़रूर कैरी कीजिए। गाइस ये है मेरा सिंपल सा इजी सा फाइनल लुक, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, बस हल्का फुल्का किया है, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट है अगर आप कॉलेज जाते हैं तो। सो या ये है सिंपल सा इजी सा कॉलेज लुक, जो कि आप रिक्रिएट कर सकते हैं जस्ट 5 मिनट के अंदर, और बहुत ही यूनिक लगता है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस That's all for today. आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी हो लगी हो लाइक कर देना। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, अपना प्यार बनाए रखना।